अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे, आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए हमारा मिट्ठू नहा रहा है, बस इसी पत्थर में पानी रहता है और इसी से वो नहा लेता है। जब भी उसे याद आती है कि मुझे नहाना है तो इसी तरीके से वो नहाता है। और ये जो पत्थर का पानी है, वैसे हमारे जो ट्विंकल लेडी और उसके जो बच्चे हैं वो इस पानी को पीते हैं। तो अभी ये देखिए पानी हमारे मिट्टू ने गंदा कर दिया है, अब इस पत्थर को धोकर फिर दोबारा से इसमें साफ पानी भरा जाएगा, क्योंकि मिट्टू रोज़ रोज़ तो नहाता नहीं है, उसका कभी कभी मन करता है तो बस इसी पत्थर पर आकर बैठ जाता है नहाने के लिए। और हम लोगों का खाना सबका हो चुका है। आज सुबह मैंने सेव की सब्ज़ी बनाई थी, कभी कभी मैं बना लेती हूँ सेव की सब्ज़ी। और आजकल मेरे घर में ज़्यादातर बेसन की सब्ज़ियाँ बन रही हैं, बरसात का मौसम है ना, तो दूसरी सब्ज़ियाँ मैं बनाती हूँ लेकिन कम बनाती हूँ, बेसन की सब्ज़ी ज़्यादातर बना ली। कभी कढ़ी बना ली मैंने, कभी सेव की सब्ज़ी बना ली, या फिर कभी कोई दूसरी बेसन की सब्ज़ी बना ली मैंने। और जी सब्जी का ये है कि अपन कितनी भी कम सब्ज़ी बनाए उसके बाद भी एक कटोरी सब्ज़ी बचती ही बचती है। अब सुबह की सब्ज़ी शाम में तो खाई जा सकती है, लेकिन रात की जो सब्ज़ी है वो सुबह में नहीं खाई जा सकती, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। तो बारिश के मौसम में हम बासी खाने से जितना बच सकें उतना ही बचना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए बीमारियाँ भी बहुत फैल रही हैं, जिसमें फ्लू वगैरह कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। तो देखिए मैं रात को अगर सब्ज़ी बच भी जाती है, वैसे कोशिश करती हूँ कि ना बचे, बहुत कम ही ऐसा होता है कि बचे, तो हम लोग खाते नहीं हैं अभी बारिश की वजह से। और वैसे सुबह में बच जाती है तो शाम में हम लोग खा लेते हैं सुबह की। तो अभी बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं और यहाँ पर मैं अपनी किचन काउंटर को साफ़ कर रही थी, उसके बाद जो गैस वगैरह है उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। अली स्कूल से आ गया, अली अपना खाना खा रहा था। और जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को अपनी बहन की एक खुशखबरी सुनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर की थी गाड़ी वाली, तो कई लोगों के कॉमेंट्स आए कि साइना जी आप भी गाड़ी ख़रीद लो, गाड़ी पर फिर आप घूमने जाया करो। तो जी गाड़ी ख़रीदना वैसे कोई मुश्किल बात नहीं है, हम लोग भी ले सकते हैं गाड़ी, लेकिन अभी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वो अभी मैं खैर आप लोगों को बता भी नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ का वक्त होता है, तो वक्त आने पर इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। इसी वजह से हम लोग अभी गाड़ी नहीं ले रहे हैं। स्कूल से लौटते टाइम में भुट्टे लेकर आई थी, तो बस भुट्टे दे देखिए पर्स में ही पड़े रह गए। अब जाकर मुझे याद आई एकदम से कि भुट्टे लाई थी मैं, तो भुट्टे आज मैं सेकूंगी नहीं, आज मैं भुट्टे के पकोड़े बनाऊंगी और आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी मैं बना रही हूँ जी चाय का मसाला, बहुत दिनों में अब जाकर चाय का मसाला बन रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून सौंफ ली है, 1 टीस्पून काली मिर्ची है और 1 जायफल का टुकड़ा लिया है, 4 बड़ी इलायची हैं, 10-15 तो मैंने हरी इलायची ली है छोटी वाली, और 10-15 लौंगे हैं, 4 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। और देखिए बारिश का जो सीज़न होता है उसमें जो हमारे मसाले होते हैं वो सीम से जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लें, तो इनको मैं थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद ठंडा होने के बाद बस इसे मैं पीस लूँगी। और इसमें हमें ऐड करना है सौंठ पाउडर, सौंठ पाउडर बहुत ज़रूरी है चाय मसाला में, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम अदरक की चाय बनाते हैं तो बिना अदरक के चाय कितनी बुरी लगती है ना, अच्छी नहीं लगती है। तो अदरक सौंठ ही होती है एक तरीके से, मतलब अदरक को सुखा कर ही सौंठ बनाई जाती है। तो बस मैं इसमें इस तरीके से इसको डालकर इसमें सौंठ पाउडर भी ऐड कर लूँगी। तो हमें सौंठ पाउडर डालना है इसमें 2 टीस्पून भर कर, और इस मसाले में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है पिसने के बाद। और बाद में देखिए जब हम हमारी चाय बनाते हैं ना, तो चाय में भी इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मैं आपको क्या बताऊं, और चाय का जो टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाता है इस मसाले से। तो आप लोग भी इस चाय मसाले को बनाकर रख लें, कोई भी गेस्ट वगैरह आपके घर में आए या फिर नॉर्मली आपको घर में ही चाय बनाना हो तो ज़रूर इस तरीके से चाय बनाएं। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये मसाले वाली चाय, तो 2-3 थोड़े से मैंने ये केसर के धागे डाल दिए इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है केसर के धागे डालना, मेरे यहाँ था इसलिए मैंने डाल दिया, आप बिना धागे के भी बना सकते हैं अगर आपके पास केसर नहीं है तो। तो ये देखिए मैंने चाय मसाला बिल्कुल महीन पीस लिया है, और अब बस मैं इसे एक डिब्बे में पैक करके अच्छे से रख दूँगी, और काफ़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। अभी अभी चाय भी बनाऊँगी मैं, पहले हम बना लेते हैं भुट्टे के पकौड़े।
भुट्टे के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम भुट्टों को कद्दूकस करेंगे। तो यहाँ पर मैं भुट्टों को कद्दूकस कर रही हूँ और उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो ये भुट्टे के पकोड़े हैं तो ज़्यादा बेसन हम इसमें ना डालें तो अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भरकर बेसन डाला है। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्ची है, बारीक कटी हुई प्याज है, कद्दूकस किया हुआ अदरक है, वो भी डाल दें। और इसके अलावा इसमें हमने चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें और बस इसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लें और फिर हमारे भुट्टे के गर्मा गर्म पकौड़े बनकर अभी तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। आप लोगों ने देखा ना कितनी इजी है भुट्टे के पकौड़े बनाना। और बारिश के मौसम में तो खासकर मन होता है कि गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए बस, तो बस मैं ये पकौड़ों को फ्राई कर लूँगी। मैं आप लोगों से बात करती हूँ एक कॉमेंट पर। कॉमेंट है फातिमा अशरफ का। इन्होंने कमेंट किया है कि आप तो कभी भी अपनी सिस्टर को अपने घर पर इनवाइट ही नहीं करते, ऐसा क्यों? खाली ननद को ही मस्का लगाती रहती हो। अब देखिए इनके कहने का तरीका। और आप जो भी हो, खैर एक बात अच्छी तरीके से जान लो, अगर मुझसे आप तरीके से सवाल करेंगी तो आपको जवाब भी तरीके से ही मिलेगा। और अगर कोई भी मेरे चैनल पर आकर मुझसे बदतमीजी से सवाल करता है तो उसको जवाब भी उसी लैंग्वेज में मिलेगा, मतलब बदतमीजी से ही मिलेगा। बिल्कुल साफ क्लियर कट बात है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपने कब देख लिया कि मैंने मेरी बहन को अपने घर पर इनवाइट नहीं किया? मैं जब भी उससे मिलती हूँ तभी उसको अपने घर पर इनवाइट करती हूँ। इसके अलावा जब भी मेरी उससे फ़ोन पर बात होती है ना तो हमेशा मैं उससे एक ही बात कहती हूँ, वो ये कहती हूँ कि तू मुझे अपने घर बुलाती रहती है, कभी तू भी तो आ जा मेरे घर, तुझे आने में क्या प्रॉब्लम है? तो वो यही कहती है, इंशाल्लाह बाजी मैं जल्दी आऊँगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि किसी की भी बहन हो, शादी के बाद सबकी लाइफ अलग अलग हो जाती है। एक नेक और शरीफ औरत हमेशा मायके को नहीं, ससुराल को निभाकर चलती है, ससुराल के लोगों को साथ लेकर चलती है। अब अगर ससुराल में अपनी लाइफ बिजी हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो तो लड़की बहुत कम मायके के रिश्तों को निभा पाती है, जबकि वही लड़की अपने ससुराल के हर एक काम में पाबंदी के साथ शरीक होती है। अब अगर शबनम मेरे घर नहीं आती तो इसका मतलब वो एक बहुत अच्छी बहू है जो अपने ससुराल के हिसाब से चलती है और ससुराल को पूरी तरीके से खुश रखती है। अपनी गृहस्थी में वो इतनी बिजी है कि उसे मेरे यहाँ आने का टाइम ही नहीं मिलता। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, मायका और ससुराल एक जगह रहते हुए भी वो मायके में भी उसका आना जाना बहुत कम हो पाता था। फिर मैं तो खैर 200 किलोमीटर दूर हूँ, मेरे यहाँ आना कैसे होगा? और रही मेरी बात, तो मेरे ससुराल में शुरू से ही इजाज़त है कहीं भी आने जाने की। मेरा जब भी मन होता है तो मैं अपनी बहन से मिलने चली जाती हूँ और मिलकर भी आ जाती हूँ। अब बात आती है मेरी नंदों वाली, तो एक बात याद रखना, जिसने कमेंट किया है मैं उन्हीं से कह रही हूँ, मेरी नंदों के लिए तमीज़ से बात करना वरना मैं इतना सुनाऊँगी कि तुम याद रखोगी। जिसको तुम नंदों को मस्का लगाना कह रही हो ना, उसको शरीफ इज्जतदार लोगों की भाषा में मोहब्बत देना, इज्जत देना, कंफर्ट फील कराना कहते हैं। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती, खासकर तुम जैसे घटिया सोच वाले लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारे कमेंट पढ़कर ही पता चल गया था कि तुम अपनी नंदों को इज्जत देना तो दूर, उनको देखते ही उनसे चिढ़ने वाली लग रही हो। साफ दिख रहा है कि तुम घर तोड़ने वाली औरत हो और तुम अपने नंदों से बिल्कुल भी नहीं रखती हो और अपने अलावा किसी को कुछ समझती ही नहीं हो। मगर मेरी तरबियत ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मेरी माँ ने मुझे ससुराल वालों की इज्जत करना, उनको मोहब्बत देना, उनका ख्याल रखना सिखाया है। मैंने अपनी ससुराल में किसी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए मन में अपनी नंदों के लिए खुद इज्जत होनी चाहिए। जो कुछ नंदों से अपने लिए चाहिए वो सब कुछ पहले उनको देना पड़ता है। और ये दुनिया इसी तरीके से चलती है, कहते हैं ना इस हाथ दे उस हाथ ले। और मेरी ननद तो सोना है, सोना सोना जैसा दिल है उनका। मुझे उन्होंने कभी भी अपने मायके की याद नहीं आने दी। मेरे साथ जो भी हुआ उनका फ़ायदा उठाने की जगह मेरे साथ हमेशा खड़ी रही हैं वो। मुझे एहसास करवाया कि मैं ससुराल में नहीं हूँ, मायके में हूँ। मुझे मेरी ससुराल नहीं मायका लगता है। मुझे फ़ख्र है कि मैं इस ख़ानदान की बहू हूँ। खैर तुम ये क्या समझोगी, तुमने बड़ी आसानी से कमेंट करके ही ये दिखा दिया है कि तुम मुझसे जलती हो।
मुझे जो इतना प्यारा ससुराल मिला है, इतनी इज्जत देने वाले लोग मिले हैं, इन सबको देखकर तुम जल रही हो। चलो एक सवाल पूछती हूँ तुमसे, तुम बताओ क्या तुमने भी ससुराल में नंदों को एक तरफ करके जैसे दाल में से कंकड़ को फेंकते हैं वैसे बाहर निकाल कर फेंक दिया है क्या? अरे मायके में बसी हो क्या जो नंदों की अहमियत तक नहीं समझती? नंदों का कभी कभी आना क्या तुमको भी बोझ लगता है? क्या वजह है जो नंदों पर इतना गुस्सा हो तुम? कुछ तमीज़ सीखो, कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठो जो रिश्तों को अच्छे से समझते हैं। हर एक रिश्ता कीमती होता है, वही तुम्हें बताएंगे। लेकिन शादी के बाद ससुराल के रिश्ते मायके से भी कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं, जो हमारे मरने तक हमारा साथ देते हैं। सुधर जाओ और रिश्तों की कदर करना सीखो, नहीं तो मेरी तरह क्या पता तुमको और कोई भी इसी तरीके से सुना जाए। एक कमेंट कंगन को लेकर भी आया था कि साइना जी आप अपने कंगन नज़दीक से दिखाएं। तो ये देखिए, नज़दीक से देख लीजिए ये कंगन, और ये जो कंगन है ये मुझे मेरी छोटी ननद परवीन बाजी ने दिए हैं। वो अजमेर शरीफ से लेकर आई थी ये कंगन, और एक जोड़ी अनिस बाजी के लिए भी लेकर आई, एक जोड़ी मेरे लिए भी लेकर आई थी। मुझे भी इनकी डिज़ाइन बहुत प्यारी लगी, हाथ पे पहनने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, है ना? इनकी डिज़ाइन बिल्कुल गोल्ड जैसी। तो देख लीजिए आप नज़दीक से, काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पर मैं रिदा को आलू के पराठे बनाना सिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें स्टफिंग भरनी है और हमारा पराठा बिल्कुल भी नहीं फटे, किस तरीके से बेलना है, वो सब मैं सिखा रही हूँ। अब रिदा को तो लग रहा है कि हर काम उसे जल्दी जल्दी आ जाए, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? रोटियाँ बनाना सीखी, आटा लगाना सीख ही रही है, और माशाल्लाह से अब और भी जो दूसरे काम है वो सीख जाएगी, लेकिन हर काम प्रैक्टिस मांगता है। तो मैं उसे यही समझाती हूँ कि हम किसी काम को सीखने की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो काम हमें उतनी ही जल्दी आएगा। बस प्रैक्टिस करते जाओ बराबर से, फिर सब काम आ जाएंगे धीरे धीरे। ब्लॉग के एंड में मैं बस यही कहूँगी कि मुझसे गलत बात कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। जैसे कि इन्होंने मेरे चैनल पर आकर कमेंट किया, तो ये इनका जो कमेंट है मुझे बहुत नागवार गुजरा, बहुत गलत मुझे इनकी बात लगी। इनको इस तरीके से तो नहीं कहना चाहिए था। देखिए, बात को कहने का अपना तरीका होता है, और तुम आओ चैनल पर और किसी के लिए कुछ भी कहकर चले जाओ, तो ये बात तो मुझे हजम नहीं होती। बिल्कुल गलत अंदाज था इनके बात करने का, जैसे कि किसी को पत्थर मार रहे हो, इस तरीके से बात करो। तो जी, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, भुट्टे के जो पकोड़े हैं वो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं ले लेती हूँ कुछ व्यूवर्स के नाम जिन्होंने दुआएं कराई हैं। हिना परवीन, सिद्रा, किरण, नाहिद शाकिर, अफरोज, बहरूनिशा, नाजिया जी। तो आप सभी लोगों के लिए मैं अल्लाह ताला से अपनी हर नमाज में दुआ करूंगी कि आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करे। अल्लाह ताला जी सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबकी जायज़ तमन्नाएं पूरी करे। बस इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हम सभी को दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।